नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिनको बर्फ खाने की आदत है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में या ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिन्हें कच्चा बर्फ खाने की आदत सी पड़ी हुई है। अगर उनको कच्चा बर्फ नहीं मिले तो वो इस चीज के लिए बेचैन हो जाते हैं। ज्यादातर लोग इस आदत को एक नॉर्मल चीज मानकर इग्नोर करते हैं और बर्फ को खाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपको भी कच्चा बर्फ खाने की क्रेविंग है या आपको भी बार बार कच्चा बर्फ खाने की इच्छा होती है तो इसके पीछे एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको कच्चा बर्फ बार बार खाने की इच्छा होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको कच्चा बर्फ खाने की आदत है तो आज ही अपना आयरन प्रोफाइल जरूर चेक कराइएगा, साथ ही साथ अपने हीमोग्लोबिन के ऊपर भी नजर रखिएगा, क्योंकि अगर आप कच्चे बर्फ को खा रहे हैं तो मेडिकली कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका आयरन लेवल जो है वो कम है और या फिर आपका हीमोग्लोबिन कम है। तो अगर आपको भी बर्फ खाने की आदत है या आपको भी बार बार बर्फ खाने का मन करता है तो एक बार अपना हीमोग्लोबिन और अपना आयरन प्रोफाइल जरूर चेक कराइएगा। अदरवाइज ऐसा ना करने पर हो सकता है कि ये आदत आपको उस लेवल तक पहुंचा दे कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम लेवल पे आ जाए, और उसके साथ साथ ही अगर हीमोग्लोबिन लेवल आपका लो रहता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको लो बीपी की भी समस्या अपने आप ही हो जाएगी। तो इन दो मेडिकल कंडीशन से बचने के लिए अगर आपको कहीं भी ये सिम्टम दिख रहा है कि आपको बार बार कच्चा बर्फ खाने की आदत है तो जो दो टेस्ट मैंने बताए, एक हीमोग्लोबिन और एक आयरन प्रोफाइल, वो जरूर चेक करेगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। आगे भी आपकी हेल्थ से संबंधित वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुधांशु बढ़ानिया एक बार फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।